नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। इस साल बिहार सरकार के तमाम कैबिनेट मंत्रियों को एक बड़ा तोहफा देने जा रही है बिहार सरकार। इस वक्त हम मौजूद हैं पटना के गर्दनी बाग में, जहां पर आप देख सकते हैं जो स्पेशल आवास है, ये बंगला है, वो बनकर तैयार है। और ऐसे ऐसे 20 बंगले बनाए गए हैं एक साथ। आप समझ सकते हैं, एक साथ 20 बंगलों को बनाया गया है ताकि जितने बिहार सरकार के जो मंत्री हैं वो यहाँ पर रहेंगे और उन सभी का ये नया आवास होगा। देखिए, पहले भी जो बिहार सरकार के तमाम मंत्री रहे हैं उनको आवास आवंटित कराया गया है, लेकिन पहले कई सारी शिकायतें रहती थी कि किसी को छोटा आवास मिला है, किसी को बड़ा आवास मिला है। कई बार तो ऐसी शिकायतें आने लगी कि ये बंगला मनहूस है, इसमें जाने वाले कई मंत्री जो हैं वो अपना फुल टर्म पूरा नहीं कर पाते हैं। तो ऐसे में अब बिहार सरकार ने पूरी तैयारी कर ली है। साल 2020 से ही भवन निर्माण विभाग के अंतर्गत ये जो बंगला है वो बनने के लिए शुरू हो चुका था, लेकिन बीच में जब कोरोना काल आया तो उसमें काफ़ी देरी हो गई। ऐसे में इस साल सितंबर महीने तक इन तमाम बंगलों को पूरा करना है। आप देख सकते हैं ये एक चौड़ी सी सड़क बनाई जा रही है ताकि जितने मंत्री होंगे उन सभी का जो काफिला है वो भी आराम से जा सकता है, क्योंकि अंदर तक तमाम जितने बंगले हैं वो सभी एक किस्म के हैं, एक प्रकार के हैं, किसी में कोई ऊंचा नीचा कुछ नहीं रखा गया है। सभी में जो क्वालिटी इस्तेमाल किया गया है मटेरियल्स का, वो सभी एक समान है। और आप इसमें देख सकते हैं ग्राउंड फ्लोर है, फर्स्ट फ्लोर है, और उसके बाद फिर छत है, रूफ़ है, यानी कि सिर्फ दो मंजिला ही ये पूरा जो आलिशान बंगला है वो बनकर तैयार है। आगे में पार्किंग स्पेस जो है वो भी बनाया गया है। तो आप समझ सकते हैं तैयारियां जो है वो अंतिम रूप में है। आप देख सकते हैं अभी भी दिन में कारीगर लगे हुए हैं। तो ऐसे में तमाम जितनी तैयारियाँ हो पूरी कर ली गई हैं। क्लब हाउस भी बनाया गया है जहाँ पर तमाम जितने प्रोग्राम्स होंगे उनका आयोजन कराया जा सकेगा। तो ऐसे में बिहार के तमाम जितने मंत्री हैं वो यहाँ पर अब से रुकेंगे। और सबसे बड़ी बात, ये जो बंगला आवंटित किया जाएगा वो किसी मंत्री के नाम पर नहीं होगा, वो सीधा विभाग को आवंटित किया जाएगा, क्योंकि फले फले विभाग को ये जो मकान है, जो बंगला है वो आवंटित कर दिया जाएगा, ताकि जो भी उस विभाग के मंत्री होंगे ऑटोमेटिक ये बंगला उनके नाम से सुपुर्द हो जाएगा, उनके नाम का हो जाएगा और फिर वो यहाँ रहेंगे। तो बिहार के तमाम जितने बड़े मंत्री हैं, बड़े क्या कह सके, नीतीश कैबिनेट के जितने मंत्री हैं उन सभी को इस साल तोहफा मिलने जा रहा है। और एक तरफे से ये सारा जो बंगला है वो बनकर तैयार है। लगभग 14.5 एकड़ की ये ज़मीन है, क्लब हाउस भी है यहाँ पर बना हुआ है। तो इससे पहले बिहार विधान परिषद के सभी सदस्यों को उनका घर दिया गया था, डुप्लेक्स दिया गया था, उसके बाद अब ये आलिशान सा बंगला भी बनकर तैयार है जहाँ पर बिहार सरकार के तमाम जितने मंत्री हैं वो रहेंगे। और तमाम अंदर की भी तस्वीर दिखा रहे हैं, कितने अच्छे से गार्डन आगे में बनाया गया है, गाड़ियों की पार्किंग के लिए स्पेस दी गया है, आगे वहाँ पर बैल्कनी बनाया गया ताकि शाम के समय में वहाँ पर आराम से बैठ कर जितने मंत्री होंगे वो चाय पी सकते हैं, जो नीचे में अतिथि आएंगे उनके रहने की व्यवस्था अलग से की गई है, गेस्ट रूम बनाया गया और अलग से गार्ड्स के लिए भी रुकने की जगह बनाई गई है ताकि उसमें जितने उनके गार्ड्स होंगे, सिक्योरिटी गार्ड होंगे, वो रह सकते हैं। तो बहरहाल तमाम जितने बिहार सरकार के मंत्री हैं उन्हें इस साल के अंत अंत तक बिहार सरकार तोहफा देने जा रही है। उनका आलिशान मकान जो है वो बन करके तैयार है, जिसकी झलक हम आपको दिखा रहे हैं पटना के गर्दनी बाग से। तमाम तस्वीरें आप देख रहे होंगे। करोड़ों रुपये की लागत से बनकर तैयार हुआ ये बंगला दिखने में जितना ही बेहतरीन आपको लग रहा होगा, अंदर से उतना ही खूबसूरत है। और ये सभी आलिशान बंगले जो हैं वो भूकंपरोधी बनाए गए हैं। तमाम तस्वीरें हम आपको पटना के इस गर्दनी बाग से दिखा रहे हैं जहां पर सभी मंत्रियों के लिए ये आलिशान बंगला बनकर तैयार है। सभी काफ़ी बेहतरीन दिख रहे हैं और निर्माण कार्य जो है वो अंतिम चरण तक पहुँच चुका है। जल्द ही ये पूरा प्रोजेक्ट जो है वो बनकर तैयार हो जाएगा। अब आने वाले समय में जैसे जैसे समय बीतेगा कार्य पूरा होगा और बिहार सरकार सभी मंत्रियों को एक बड़ा तोहफा देने जा रही है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।